अरे वाह, ये सब क्या गिर रहा है? चलिए पास से देखते हैं, पता चलेगा क्या है ये। ठीक है, इस समय इन सब की ऊपर से बारिश हो रही है। ओके ओके, ये हैं तबे बुइया के सीड्स। तबे बुइया पिंक और वाइट वाले जो हैं उनके सीड पॉड हैं, और ये जब सूख जाते हैं तो ऐसे गिर पड़ते हैं ऊपर से। ठीक है, और सारे जगह सीड्स डिस्पर्स हो जाते हैं। उठाकर दिखाता हूं आपको तो समझ में आएगा कैसे ये उड़ जाते हैं। ये हैं, देखिए इसमें साइड में विंग्स लगे हुए हैं और हवा चलती है तो काफी दूर तक उड़ जाते हैं। तो इसी को हम कलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हार्वेस्टिंग। ओके, तो नीचे जो सीड्स उड़ के आए थे उनको मैं देखने के लिए ऊपर आ गया हूँ कि कहाँ से आए थे। तो ये हैं तबे बुइया के सीड पॉड्स, तबे बुइया का प्लांट जो मेरे टेरेस के बाजू में लगा हुआ, बहुत सारे हैं, करीब करीब अपार्टमेंट में 15 से 20 होंगे। ये वाला थोड़ा पास में है इसीलिए हम देख रहे हैं। ये जो देखिए इसके सीड पॉड्स हैं, कैसे ड्रम स्टिक जैसे होते हैं ना, इसके पॉड्स ऐसे लंबे लंबे होते हैं, इसमें सीड्स भरे होते हैं, और जब सीड्स सूख जाते हैं तो एक्सपोज हो जाते हैं और उड़ जाते हैं। देखिए उधर आपको दिख रहा है, ये जो है वाइट कलर के एक्सपोज हो गए, सूख गए तो अपने आप ओपन हो गया, और ये बस ऐसे ही नीचे से नीचे आ गए थे उड़कर। ठीक है, तो देखते हैं कि हम कलेक्ट कर सकते हैं इसको कि नहीं। थोड़ा दूर है यार, मतलब टेरेस से थोड़ा दूर है, डंडे की हेल्प से देखें कलेक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, कितना सक्सेस मिलता है। नहीं तो कोई और मेथड लगाएंगे। तो ये मैंने फंसाया इसको, और देखिए ओहो, आजा आजा यार। ये तो यार सारा उड़ गया भाई। एक्चुअली उसकी जो जिससे कनेक्शन है सीड पॉड का ब्रांच से, वो अभी ग्रीन है तो टूटी नहीं, और सीड पॉड सारे जो है सीड सारे उड़ गए। तो देखते हैं हम किसी और तरीके से इसको कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, छोड़ूंगा नहीं मैं, कलेक्ट तो करके रहूँगा, आपको रिव्यू देना है भाई। ठीक है, तो पहला अटेम्प्ट हमारा फेल हो गया था कलेक्ट करने के लिए, सेकेंड अटेम्प्ट हम देखते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आई एम एबल टू रीच टू दिस सीड पॉड। मैंने एक डंडी की हेल्प से इसको अपने पास खिसका कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हम रिकॉर्ड भी करेंगे, किसी और को दे दिया है मैंने रिकॉर्ड करने के लिए, और मैं इसको देखता हूँ कि कैसे। ये देखिए, ये ग्रीन वाला है जो सूखा नहीं है, और ये वाला जो है ये सूख गया है। ठीक है, ये रेडी टू हार्वेस्ट है, ये पकड़ लिया मैंने। आजा 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 आजा, आई थिंक आई विल बी एबल टू रीच इट। हाँ, कोविड चल रहा है भाई, मास्क लगा के रखना सब लोग। ठीक है, मैं भी लगाए हुए हूँ मास्क, और अभी छत पे आके हल्का सा उतारा है। छत पे कौन रहता है, हम 3 लोग हैं केवल, मेरी फैमिली। ये आ गया भैया, है ना, देखिए सीड पॉड ड्राई हो चुका है, मस्त सीड एक्सपोज हो चुके हैं, कम से कम 50 से लेके 100 तक सीड इसमें हो सकते हैं, और ऐसे उड़ जाते हैं, और बारिश होगी तो बस जर्मिनेशन हो जाएगा। पूरे बेंगलोर में ये वाले तभी भैया तभी तो भरे हुए हैं। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं, रिव्यू करते हैं। ओके, तो रिव्यू स्टार्ट कर लेते हैं सीड्स का। ठीक है, ऑल इन ऑल ये प्रोपोगेशन का रिव्यू है। ठीक है, तो ये जो आप मेरा देख रहे हैं, पहला वाला जो प्लांट थोड़ा सा ग्रो हो रखा है, ये क्या है, ये तबे बुइया का ही प्रोपोगेटेड कटिंग्स सीडलिंग्स हैं। ठीक है, तो मेरे पुराने वीडियोस में मैंने कैसे आपको दिखाया था कि मैंने कट चॉप हार्ड प्रून किया था एक मेरा तबे बुइया बोनसाई, फिर उसका रिजल्ट दिखाया था कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है वो, है ना। तो उसको मैंने सीड से ही ग्रो किया था, और उसमें से ये कटिंग्स जब लगी मिल गई थी तो इनको लगा दिया था। ये देखिए, तो ये कटिंग से प्रोपोगेट हो जाता है। तो तबे बुइया दो तरीके से प्रोपोगेट हो जाता है, ट्रम्पेट रोज भी बोलते हैं हम इसको। पहला तो कटिंग मेथड, ठीक है, ये सिंपल कुछ नहीं करना है, कटिंग आपको जब भी मिले, अगर बाहर से ला सकते हो तो बाहर से ले आओ, और रूटिंग हार्मोन में डिप करके सैंडी सॉइल में लगा दो। ठीक है, बस सैंडी सॉइल होना चाहिए, मतलब कोई भी सॉइल हो, उसमें यार पानी रुके नहीं, पानी रुकेगा तो सड़ने लगेगा पेड़, है ना।
तो पानी रुके नहीं, उसमें लगा दीजिए और आपको इस टाइप से ग्रोथ मिल जाएगी। मैं और भी वीडियोस डालूंगा जिसमें कि मैं बोनसाइज के लिए तबे बुया के हंट करके ला रहा हूँ, ठीक है? तो आप देखते रहना तबे बुया के बारे में। ये टॉपिक हो गया है, अब दूसरा टॉपिक चलते हैं हम, जो मेन टॉपिक है सीड कैसे हार्वेस्ट करने हैं, कैसे सेव करने हैं। तो उसके लिए मैं आपको शो करने के लिए सब लेकर आया हूँ मटेरियल। ये हैं तबे बुया के सीड पॉड, ठीक है? दो कच्चे हैं और एक जो है पक गया था, जो खुल गया है वो भी मैं दिखाने के लिए लाया हूँ। देखिए इस टाइप से ये चिपके रहते हैं इसमें, ठीक है? और जब सूख जाते हैं तो ओपन हो जाता है और ये नीचे गिरने लगते हैं, गिर पड़ते हैं। तो जो हमने एक कलेक्ट किया था ऊपर से, वही वाला ये है, नीचे लाते लाते उसमें से भी निकल गए। चलिए तो डेमो पर्पज़ के लिए मैं एक आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। सीड पॉड की कोई कमी नहीं है, एक 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 ब्रांच में कम से कम 500-500 सीड पॉड लगे हुए हैं, एक एक ट्री में, अपार्टमेंट में ही बहुत सारे हैं। तो हाँ ये देखिए है ना, ये अभी थोड़े से कच्चे हैं, ग्रीनिश टिंच पे है ना, ये कच्चे हैं, ठीक है? तो मैं बस केवल ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि पॉड के अंदर कैसे होते हैं सीड्स, इसीलिए मैंने वो सीड पॉड खोला ग्रीन वाला। ये जो है पिंक और वाइट तबे बुया के सीड्स हैं, इसी टाइप से वाइट में भी होता है और इसी टाइप से पिंक के भी होते हैं। तो बस इनको कैसे सेव करना है वो मैं अभी बता दूंगा आपको। ये आप नैपकिन में भी रख सकते हैं और पॉलीथीन के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है? मैं नैपकिन के अंदर करके फिर पॉलीथीन में रख देता हूँ, तो उससे क्या होता है मॉइस्चर नहीं जाता इसके अंदर और सीड अपनी यथा स्थिति में रहता है। देखिए इस टाइप से सीड होते हैं, इसमें पंख लगे हुए हैं तो काफ़ी लंबा लंबा उड़ते जाता है। चलिए तो इसको साइड में कर लेते हैं, दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, दिख रहा होगा आपको क्या है ये भी भाई तबे बुया का सीड पॉड है, लेकिन ये सीड पॉड है येलो तबे बुया का। येलो वाला तबे बुया बहुत ही सुंदर दिखता है, ठीक है? लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट प्लांट होता है। सीड पॉड भी देखिए छोटा होता है और इस टाइप से होता है, देखिए है ना। ये वाला भी कच्चा है, लेकिन ये मेरे को यहाँ पे जब मैं कुछ लेने गया था तो मेरे को रोड साइड में पड़ा हुआ मिला पेड़ के नीचे, इसलिए मैं उठा कर ले आया। और फिर मैंने सोचा क्यों ना यार एक हार्वेस्टिंग का एपिसोड ही बना दें। तो ये मिलने के बाद मेरे को आइडिया आया कि हार्वेस्टिंग का एक एपिसोड बना लेते हैं, ठीक है? तो इस टाइप से येलो वाले सीड पॉड के अंदर से सीड होते हैं। देखिए येलो वाले बड़े बड़े होते हैं सीड्स, ठीक है? प्लांट का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया होता है येलो वाले का, छोटे छोटे लीव्स होते हैं इसके और जो स्टेम्स का स्ट्रक्चर अच्छा होता है, स्टेम का जो टेक्सचर वो बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसका करूँगा वीडियो आगे भी। ये देखिए दोनों में डिफरेंस है ना, एक ये काफ़ी छोटा होता है पिंक वाला और ये काफ़ी बड़ा है येलो वाला, तो इस टाइप से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है? प्रोपोगेशन दोनों का सेम है, इसको आप जो है सीड पॉड जब सूख जाए तो उसको जो है आप रूटिंग हार्मोन जो है उसमें डिप करें। रूटिंग हार्मोन डिप करने के बाद ऐसी एक बढ़िया सैंडी सॉइल बनाकर उसको लगा दें और 15 दिन के लिए उसको रख दें, किसमें? शेडी एरिया में, सेमी शेड जहाँ पे आती हो, हल्की हल्की धूप आए और शेड रहे, वहाँ नमी ज़्यादा रहेगी तो प्रोपोगेशन जल्दी हो जाएगा, ठीक है? नहीं तो फिर पॉलीथीन से कवर करिए गमले को, नमी बनाइए। इससे अच्छा है कि प्लांट के नीचे रख दीजिए, कोई बड़ा मनी प्लांट हो या एरिका पाम हो उनके साइड में रख दीजिए, तो अपने आप ही वहाँ ह्यूमिडिटी रहती है और सब जर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है? अब मैं ये देख लीजिए, ये मेरी पॉलीथीन जो है जहाँ मैं सेव करके रखता हूँ सीड्स, इसके अंदर क्या है भाई? चलो यार अब आ गया है तो ये भी दिखाई देता हूँ। ये जो वही वाली पन्नी है यार, जो लड्डू नहीं मिलते हम लोगों को कहीं जाते हैं शादी वादी में, वही वाली पन्नियाँ हैं बस। ये देखिए इसके अंदर सीड्स हैं, गुलमोहर के सीड हैं ये और अडेनियम्स के सीड हैं, वही मैं रखे हुए हूँ। अडेनियम्स के तो मैं बो देता हूँ, गुलमोहर का मैंने बोया था लेकिन जर्मिनेट नहीं हुआ, तो इसलिए मैं अभी इसको सेव करके रखा हूँ, जब मौका मिलेगा तो फिर देखेंगे हम। हो सकता है कि मैं हंट करके ले आऊँ गुलमोहर की एक मोटी सी ब्रांच, ठीक है? सीड से ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है, तो बस आप दूसरा मेथड है कि आप सीड को जो है सीड पॉट को ऐसे नैपकिन में
रिज़र्व करके पन्नी के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है। उससे मॉइस्चर वॉइस्चर बिल्कुल भी प्रोटेक्ट रहेगा, कभी भी आपका सीड खराब नहीं होगा। बाकी मैंने बता ही दिया कि कैसे आपको इसको लगाना है सॉइल में, ठीक है। तो ये जो पूरा वीडियो था ये सबे भुया की सीड्स हंट करने पे था, उसको कैसे हम घर में सेव करके रख सकते हैं, कैसे सीड्स होते हैं, दोनों तबे भुया के, तीनों तबे भुया के एक्चुअली मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बस आशा है आप लोग भी ग्रो करेंगे, कटिंग मेथड से कर सकते हैं, देखिए कितना बढ़िया ग्रो करता है कटिंग मेथड से, है ना, एकदम बढ़िया ग्रीन ग्रीन पत्ते निकल रहे हैं। और हम इसकी चॉपिंग करते रहेंगे, आगे चल के प्रूनिंग करते रहेंगे तो पत्ती भी छोटी हो जाएंगी, लीव साइज छोटी छोटी हो जाएंगी, तो हमको जैसा चाहिए बोनसाई के लिए, ठीक है। तो फिर बोनसाई कैसी को इजाज़त दीजिए, होप कि ये वाला एपिसोड आप लोग को अच्छा लगेगा। और इसी तरीके से आप केवल तबे भुया के सीड नहीं, किसी के भी सीड आप प्रिजर्व करके रख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इस वीडियो को ले सकते हो कि हम कैसे सीड हार्वेस्ट करें, एक इंस्पिरेशन भी हो सकता है लोगों के लिए कि हम किसी और भी प्लांट के सीड सेव करके अपने पास रखें, ठीक है। सेविंग मेथड मैंने बता दिया आपको कैसे रखना है, नैपकिन एंड पन्नी पॉलीथीन, ठीक है। चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपके टाइम के लिए, मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग एपिसोड में किसी इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ, शुक्रिया।